नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन व्यवसाय का। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ग्रेवी वाले टिंडे की रेसिपी। बहुत ही अमेजिंग से और बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर इनका आएगा, बहुत ही सिल्की सा, सॉफ्ट सा। हम जब भी शादी में जाते हैं ना, वहाँ जो टिंडे की सब्जी होती है ना, और बहुत ज़्यादा ना माउथ वाटरिंग होती है। तो आज ये कुछ वैसी ही सब्जी बनने जा रही है, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में। हम इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रीमी टिंडे की रेसिपी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक टमाटर का पेस्ट बना लूँगी, जिसमें मैंने एक मिक्सर ग्राइंडर में 3 टमाटर लिए हैं, साथ में थोड़ा सा अदरक, थोड़े से काजू और थोड़े से किशमिश। किशमिश और काजू का आपको पेस्ट बनाना है टमाटर के साथ ही। आप यहाँ पे साबुत काजू या किशमिश मत डालिएगा, क्योंकि उससे ना बिल्कुल टेस्ट अलग हो जाएगा, और जो आप पीस कर डालेंगे उसका टेस्ट अलग आएगा। तो यहाँ पे मेरा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने यहाँ पे लिए हैं टिंडे, जिनको मैंने अच्छे से वॉश करके पील कर लिया है, और इनको मैंने लेंथ वाइज कट कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल डाला है, और इसमें मैं इन टिंडों को रोस्ट कर लूँगी। हमें ये टिंडे 90% कुक करने हैं इसमें। जब ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएं और ये बिल्कुल गल जाएं, तो हम यहाँ निकाल लेंगे। बाकी हमारा जो लेफ्ट ओवर ऑयल था, उसमें मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा और साथ में 1 चम्मच बेसन। हम जीरे और बेसन को अच्छे से भून लेंगे, जब तक हमारा जो बेसन है वो कलर चेंज ना करे और उसमें से एक अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू ना आने लगे। इसके बाद मैंने इसमें ऐड की है देगी मिर्च कलर के लिए, और जैसे ही हमारी देगी मिर्च मिक्स हो गई है, भुन गई है, उसके बाद मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर दिया है, और साथ में थोड़ा सा पानी उसी जार को शेक करके मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अब हम टमाटर को अच्छे से भूनेंगे। जब ये आधा कुक हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है थोड़ा सा दरदरा कुटा हुआ धनिया। आप चाहें तो यहाँ पे धनिया का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पे सौंफ यूज़ करी है, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च। इसके बाद अब मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमें थोड़ा सा ग्रेवी में भी बनाना है, और साथ में इसका बहुत ही सॉफ्ट सा, सिल्की सा हमें टेक्सचर देना है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड किया है। अब हम सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसमें बॉईल आने तक इसको अच्छे से पका लेंगे। जैसे ही हमारे टमाटर के पेस्ट में बॉईल आया है, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया है थोड़ा सा काला नमक, और साथ में मैंने भुना हुआ जीरा, और साथ में मैंने इसमें डाला है इलायची पाउडर। ये तीनों चीज़ आप इसमें ज़रूर डालिएगा, क्योंकि ये तीनों चीज़ ही इसका कुल टेस्ट चेंज करेंगी। अब हम यहाँ पे सारे मसाले अच्छे से ढककर भून लेंगे, ताकि जल्दी पक भी जाएंगे और अच्छे से ग्रेवी हमारी ऑयल भी रिलीज़ कर देगी। और जैसे ही हमारी ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो गई है, अच्छे से भून रही है, मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है क्रीम। क्रीम यहाँ पे मैंने लगभग आधी कटोरी यूज़ करी है। आप चाहें तो यहाँ पे आधी कटोरी घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, और फिर हम इसे अच्छे से पका लेंगे। और जैसे ही हमारी क्रीम में बॉईल आना शुरू हो गया था, टमाटर का पेस्ट अच्छे से पक गया था, तो मैंने यहाँ पे इसमें ऐड कर दिए हैं टिंडे। साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, ये है थोड़ा सा गरम मसाला, और अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक। नमक मैंने 2 बार डाला है, पहले मैंने काला नमक डाला था और बाद में मैंने सफ़ेद नमक डाला था अकॉर्डिंग टू टेस्ट। हमें यहाँ पे काले नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखनी है। अब हम इसे ढककर पका लेंगे। जब सारी ग्रेवी अच्छे से पक गई है, सारे टिंडे अच्छे से रच बस गए हैं, बहुत ही अच्छे से इनका फ्लेवर आ गया है, तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है 1 चम्मच देसी घी। जो आप ये 1 चम्मच देसी घी सबसे लास्ट में डालते हैं ना, ये पूरा सब्जी का टेस्ट चेंज कर देगा। ये बहुत अमेजिंग सी सब्जी बनेगी, और हमारे ये लिपटवा से, सॉफ्ट से, सिल्की से, क्रीमी टेक्सचर के टिंडे बनकर तैयार हो गए हैं। बिल्कुल जैसे हलवाई के टिंडे बनते हैं ना, ये उस तरीके के टिंडे हैं, लेकिन थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में। बनाइएगा ज़रूर, बहुत बहुत पसंद आएंगे आपके घर में ये टिंडे। जब सीज़न आता है ना, तो ये सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं। और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपीज कैसी लगी। तो कल फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, सुबह ठीक 11:30 बजे। जब तक हमें अपना प्यार इसी तरीके से देते रहिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आप अपने कीमती वक्त में से हमें अपना वक्त देते हैं, आपके उस वक्त के लिए और आपके इतने ढेर सारे प्यार के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू।